इसमें जो सेफ स्कोर है कि भाई इतने पर मेरा हो जाना चाहिए, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं रनिंग की, क्योंकि रनिंग के भी बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, उसके बाद में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं रिटेन क्वालिफाई की, जी हमारा ये एक ही पेपर है, ये पेपर निकल जाए हम रनिंग के लिए चले जाएं, आप ये कह सकते हैं 62 से आसपास या 62 से नीचे, ये जो नॉर्मल से और अधिकतम गई तो ये 65 तक जा सकती है, अधिकतम की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर आपकी मेरिट जाने के चांसेस कम है, इससे नीचे बिलो मतलब इससे नीचे ही रहने के चांसेस है। तो अगर आप 65 स्कोर भी आपका आ रहा है और आप कम गलत करके आ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरे हिसाब से एक स्कोर आपका बनना चाहिए कि जब कट कटा के आप आए तो आप 62 के आसपास, अधिकतम 65, उससे ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है। 1,00,000 वैकेंसी है, वैकेंसी कम नहीं है, अपियर होने वाले बच्चों की संख्या और भी कम है। आपको आपका ग्रुप डी के एंसर की को डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको गूगल पे आना होगा। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है boardsexam.com। यहाँ पे कहीं जैसे आप boardsexam.com सर्च कर लेते हैं आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी, आपको गाइस इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो आप एक साइट के अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लेना है। जैसे ही गाइस आप डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लोगे इसके बाद यहाँ पे आपके सामने नीचे आपको आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे है एंसर की का ऑप्शन, यहाँ पे आप देख पाएंगे एंसर की का यहाँ पे ऑप्शन है। इसके बाद गाइस आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे एंसर की ग्रुप डी, यहाँ पे गाइस दिख रहा है ना रेलवे एंसर की ग्रुप डी 2022 एग्जाम। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करके आप सब यहाँ से आसानी से अपने एंसर की को डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको देखना है आपका कट ऑफ तो यहाँ से गाइस आप सब कट ऑफ भी देख सकते हो। एंड गाइस अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप सब इनके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि जब भी आपका रिजल्ट आए तो सबसे पहले इनके टेलीग्राम के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना। बाय बाय।